सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट रॉबर्ट, आ गया हूं और एक नए वीडियो के साथ। यह है वन टैप चैलेंज, मेरा भाई और मैं करेंगे कस्टम पे। पिछला कस्टम पे मैं हम दोनों ने किया था और मेरा नेट हक दिया था उसमें, तो वो उसने ले लिया था हर राउंड और मैं नहीं मार पाया था उसे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं कस्टम की ओर। तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं कस्टम रूम पे और ये हो गया कस्टम स्टार्ट। अब देखते हैं क्या होता है। पहला राउंड हम तो सिर्फ वन टैप खेलेंगे बोले थे पहले, और टाइटल भी वही है। तो हमने डेजर्ट ले लिया है, ग्लोवल और मशरूम। चलो ज़्यादा हम नहीं खींचेंगे वीडियो को, क्योंकि अगर ज़्यादा खींचा होता तो ये वीडियो दरअसल 19 मिनट्स का बना था, क्योंकि मेरा भाई थोड़ा लॉन्ग रेंज पे खेलने की ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो क्लोज रेंज नहीं आना चाह रहा था। वो नहीं आता क्योंकि वो जानता है क्लोज रेंज आएगा मतलब पहले से पहला जगह ये पड़ गया हेडशॉट। मुझे नहीं लगा था कि हेडशॉट पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे इतने हेडशॉट पड़ते ही नहीं है। वन टैप मैं मतलब नूब हूँ गाइस, मैं वन टैप मारने में नूब हूँ, फिर भी कहते पड़ गए वन टैप। मतलब हर एक मैच में मैंने वन टैप मारा है, हर एक मैच में मतलब जितने भी जीते हैं हर वन टैप से हेडशॉट से जीते हैं। लेकिन अब देखिए ना कैसा होता है। देखिए यहाँ पे और एक पड़ जाएगा, मुझे मतलब क्या ही मैं बोलूँ। कुछ वक्त के लिए लगेगा कि मैंने हैक बैक लगा लिया है क्या। भाई साहब इतने हेडशॉट कैसे पड़ रहे हैं आज। ये देखिए अब ये यहाँ पे पड़ेगा, ठक पड़ गया हेडशॉट। मुझे भाई मतलब सच में विश्वास नहीं हुआ, इतना मतलब ओपी वाला हेडशॉट कैसे पड़ रहा था। मतलब गजब है, गजब वाला हेडशॉट सब पड़ रहा था उसको। वो भी मारेगा, लेकिन मेरा हेडशॉट मतलब अनबिलीवेबल था। मैं सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे हेडशॉट पड़ेंगे। यहाँ पे मेरा भाई दरअसल फिर से छुपने लग गया। भाई सब क्या बोले उसको, भाई आए सामने तो आ, भाई सामने आ जा, क्यों इतना छुप रहा है। सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ उसके पास मारने के लिए, वो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। मैं उसको सिर्फ ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया, लेकिन वो तो घूम के इधर उधर आ रहा है, घूम के आ रहा है, पीछे से आ रहा है। देखिए वो घूम के सीधा राउंड अप लेके आ गया उधर। फिर मैं सिर्फ ढूंढता फिर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ भाई। देखो अभी मेडिकेट मुझे मारना पड़ गया। चलो ये राउंड पे क्या होगा, एलिमिनेट करने की कोशिश पर गया। ये फिर उसके बाद वाला राउंड में हम आ गए हैं नेक्स्ट राउंड में। फिर से ये दूर जाने की कोशिश, मतलब हद होती है यार। मतलब इतना दूर कौन भागता है, कौन डरता है भाई। ओ भाई नहीं पड़ा। ओ भाई भाई मैं गया। कोई ना होता है। चलो नेक्स्ट राउंड पे अभी ट्राई करेंगे। ओ भाई कैसे, आप प्रो प्लेयर हो मेरे भाई, प्रो प्लेयर हो, कैसे हो, कैसे हेडशॉट मार रहा है। मैं तो नूब हूँ गाइस, मैंने पहले ही बोल दिया था मैं नूब हूँ। ये देखो फिर से हेडशॉट बढ़ गया भाई, इज द अनबिलीवेबल। मेरा हैक फिर से एक्टिव हो चुका है। भाई मारो मुझे, हैक मतलब मुझे सच में हैकर की तरह पूरा विश्वास हुआ, क्योंकि मेरा इतना वन टैप नहीं पड़ता है गाइस। मैं ड्रैग मार सकता हूँ लेकिन वन टैप ऐसे तरीके से मैं नहीं मार सकता। मतलब पहला ऐसा कस्टम मेरा गया है जो इतना वन टैप परफेक्ट लगा है। हमने वन टैप चैलेंज लगाया था मतलब खेलने का, लेकिन ऐसा वन टैप पड़ेगा मैंने सोचा भी नहीं था।
वो भी वन टैप अच्छा मारता है, लेकिन मेरे वन टैप मतलब तगड़े वन टैप लगे हैं। अभी फिर से वुडपेकर उसने पकड़ लिया है, क्योंकि वुडपेकर उसका पहला राउंड में साथ दे दिया था इससे पहले राउंड में। देखो फिर से दूर चला गया भाई साहब, दूर चला गया। मैं इधर से घूम के जाऊंगा और भाई साहब सेकंड गोली हेड पे लगा है मेरी टीम का। आ गए हैं दूसरे राउंड पे, फिर उसके बाद वाले राउंड पे फिर से भाई, फिर से दूर दूर भाग रहा है। ये देखो खुले में घूम रहा है भाई, खुले में घूम रहा है, क्या ही बोले भाई। कवर में रहके खेल भाई, खुले में मत घूम। ओवर इसको कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं। वो भूल जा रहा है कि मैंने भी उसे चार चार हेडशॉट मारे हैं, वो भी वन टैप। देखो देखो फिर से खुले में भाई, इसीलिए वो हर वक्त मरता है, इसीलिए मरता है भाई हर वक्त। वो अभी तो कस्टम में मर रहा है, गेम में भी इसी तरीके से मरता है भाई। मैं बोलता हूँ भाई कवर में रह ले। अब ये देखो क्या होगा, सस्ते नशे के रहना के क्या ही बोल। ये क्या पॉलिश देखा, कितने सस्ते नशे गेरेना के। फिर से आ गया उसके बाद वाले राउंड में। चलो आ जा भाई, आ जा। मैं गया नीचे भाई साहब, उसको एडवांटेज मिल गया, वो हाइट पे है अभी। क्या ही बोले, क्या ही बोलेगा गाइस। हर वक्त मैं डिसएडवांटेज पे रहता हूँ, फिर भी संभाल लेता हूँ। मैं पहले बोलूँ तो मैं कस्टम इतना अच्छा नहीं खेल पाता। कस्टम मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जो न्यू प्लेयर हैं वो कस्टम का अरे यहाँ पे फंसा दिया मेरा भाई चिमकांडी है भाई, मेरा भाई चिमकांडी है यहाँ पे ग्लो वॉल में फंसा दिया भाई साहब। हाँ अभी खुला खुला ग्लू वॉल में फंसा रहा है, देखो ना मतलब मार मुझे, मार भाई ग्लू वॉल में मत फंसा, लेकिन मार। हाँ अभी पड़ा भाई, ऐसे मारेगा तो चलेगा, लेकिन ग्लू वॉल में फंसा के अगर मारेगा ना भाई बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। आ गया फिर रेड नंबर छोटा सा है मेरा। हेल्थ देखो, मेरा हेल्थ देखो गाइस, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा। अरे गाइस क्या मैं कर पाऊंगा, अरे अरे जोन भी आ गया, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई साहब लॉल दोनों एक साथ मरे फिर भी विक्ट्री। भाई गेरेना शायद हमारे साइड हो गया, गेरेना हमारे साइड है गाइस। आ गए लास्ट राउंड पे, ये क्या ये हो पाएगा, मेरे से हो पाएगा ये राउंड। देखिए पहले से उसको दे दिया और उसने बना लिया एक घेरा। हम ग्लोवन नहीं तोड़ेंगे गाइस, हम फेयर प्ले करते हैं, उसको भी किल करने का मौका देना चाहिए। चलो आगे, अरे अरे मेरा खोपड़ा खुल गया, मेरा हेलमेट में कुछ नहीं है गाइस। देखिए देखिए मेरा हेलमेट को देखो, मेरा खोपड़ा खुल गया है। मैं अब करूँगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं फोड़ेगा ग्लू, क्योंकि ग्लू वही फोड़ता है जो कि चिमकांडी होते हैं। चिमकांडी गाइस वही चिमकांडी जो कि ग्लू फोड़ के मारते हैं, जिनका दम नहीं होता है खुले में मारते हैं। बॉडी पड़ा यार यहाँ पे थोड़ा सा हेड लग गया और मैं जीत गया गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई को सपोर्ट करना गाइस, और फिर से मिलेंगे नए वीडियो के पे। तब तक के लिए बाय बाय।